क्या आप एक पुराना लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं? अगर आप एक पुराना लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो आपको 12,000 या फिर 11,000 रुपये में भी i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल जाता है। बट क्या वह लैपटॉप आपके लिए सही है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। ओके गाइस, तो लैपटॉप को लेने से पहले जो सबसे पहले आपको उसमें चेक करना होता है वह होता है लैपटॉप का बिल। आपको लैपटॉप का बिल चेक करना होता है, क्योंकि लैपटॉप के बिल से आप उसके सीरियल नंबर को मैच कर सकते हैं क्या वह वही लैपटॉप है। साथ ही साथ आप मैच कर सकते हैं बैटरी को, क्या उसमें वही बैटरी है या फिर बैटरी चेंज हो चुकी है। आप एडाप्टर को चेक कर सकते हैं। तो बिल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की, तो वह है बॉडी। आपको देखना होता है कि हमारे इस लैपटॉप की जो बॉडी है क्या वह कहीं से टूटी है, क्या वह डिफेक्टेड है। अगर बॉडी में क्रैक है या फिर लैपटॉप डिफेक्ट है तो उस बॉडी को आप ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर बॉडी में अभी थोड़ा सा क्रैक है तो आगे और भी बॉडी क्रैक हो सकती है। तो एक बार आप लैपटॉप को पूरा चेक करें। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक टिप्स हैं, बट इनको आप ज़रूर फॉलो करें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है बेसिक टेस्टिंग। तो अगर आप लैपटॉप को लेने जा रहे हैं तो आप अपने साथ एक USB भी कैरी करें, ताकि आप अपनी USB के पोर्ट चेक कर सकें। इसके साथ साथ आप एक हेडफोन रखें या फिर आप ईयरफोन भी रख सकते हैं, जिससे आप ईयरफोन जैक को चेक कर सकते हैं। आप DVD रख सकते हैं, जिससे आप DVD राइटर को चेक कर सकते हैं। तो यह कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि आपको लैपटॉप में देखने होते हैं। SD कार्ड स्लॉट होता है, तो इन्हें आप बेसिकली चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक लैपटॉप को खोलकर चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम अपने लेवल पर जो बेसिक चेक कर सकते हैं वह आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद बात करें अगर हम कीबोर्ड की, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लैपटॉप में कीबोर्ड भी होता है। तो आपको इस कीबोर्ड की सारी बटन्स को चेक करना होता है कि हमारी कोई बटन जो कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ना हो। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा आपसे यह बोलता है कि इस लैपटॉप में हमारी यह बटन काम नहीं कर रही, बट आप इस एक बटन को सुधरवा सकते हैं, आप उसे खुलवा के रिपेयर करवा सकते हैं, तो यार ऐसा बहुत ही कम केस में पॉसिबल होता है। मोस्टली केसेस में आपको पूरा कीबोर्ड ही चेंज करवाना होता है, जिसमें करीब से करीब 1500 से 2000 रुपये लगते हैं। तो एक बार आप सारी बटन्स को जरूर चेक करें। इसके बाद जो बात आती है वह आती है चार्जिंग की। तो आप सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वह कितना है, क्या वह बैटरी सही है या ख़राब। तो इसे अगर आप अपने लेवल पर चेक करें तो आपको करना क्या है कि आपको लैपटॉप से चार्जर को कनेक्ट करना है और आपको देखना है कि वह बैटरी 100% चार्ज हो रही है या नहीं। अगर वह बैटरी 60% पर जाकर स्टॉप हो रही है या फिर 90% पर या फिर 99% पर, तो वह बहुत ही जल्दी वह बैटरी ख़राब होने वाली है। तो आप एक बार यह भी चेक करें। अब इसके बाद आपको जो लैपटॉप में चेक करना है वह चेक करना है उसकी हीटिंग को। तो आप लैपटॉप को चेक करने के लिए कोई भी हाई एंड सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं या फिर आप हाई एंड गेम्स प्ले कर सकते हैं, और आपको चेक करना है कि उस लैपटॉप से कितनी हीट जनरेट हो रही है। क्योंकि लैपटॉप अगर ज़्यादा पुराना होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है। हो सकता है कि लैपटॉप बार बार बंद या फिर चालू भी हो। तो एक बार आप किसी हाई एंड सॉफ्टवेयर को रन करके आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि वह लैपटॉप कितनी हीट जनरेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो आपको डिस्प्ले भी चेक करना होता है। तो डिस्प्ले को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होता है बारीकी से डिस्प्ले पर क्या कोई डेड पिक्सल है या नहीं। डेड पिक्सल से मतलब क्या आपको डिस्प्ले पर कोई डॉट दिख रहा है, अब वह ब्लैक भी हो सकता है, वह वाइट भी हो सकता है। तो आपको डिस्प्ले पर बारीकी से देखना है कि वहाँ पर कोई डॉट दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर आप ज़्यादा अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो आप वाइट बैकग्राउंड की कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली डिस्प्ले पर अंदाज़ा होगा। तो एक बार आप यह ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी डिस्प्ले की जो लाइफ है वह बहुत ही कम बची है। तो आप एक बार डेड पिक्सल को ज़रूर चेक करें। इसके अलावा आपको चेक करना है लिड को, जो लैपटॉप की लिड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो लिड है, तो यह लिड स्मूथ काम कर रही है या नहीं। अगर लिड को ओपन या फिर क्लोज करने में बार बार आवाज़ आ रही है, तो मतलब लैपटॉप में लिड की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आगे आपको लिड को चेंज करवाना हो या फिर अंदर से लिड के पार्ट डिफेक्टेड हो, तो एक बार आप लिड को ओपन करके भी देख लें। इसके अलावा लिड को टिल्ट करते समय आपको यह भी चेक करना है कि लिड टिल्ट होते टाइम क्या हमारी डिस्प्ले ब्लिंक हो रही है या नहीं। अगर आप उसे पूरा बंद करेंगे तो डेफिनेटली डिस्प्ले बंद होगी, बट अगर आप उसे हल्का सा बंद करते हैं और इस दौरान अगर आपकी डिस्प्ले ब्लिंक होती है
तो आप ऐसे लैपटॉप को बिल्कुल भी परचेस ना करें, आगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी होगी। सो फ्रेंड, यह तो थे हमारे बिल्कुल बेसिक पार्ट जो कि आपको एक लैपटॉप में चेक करने ही होते हैं अगर आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस है तो आप की या फिर सीडी को कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लैपटॉप के पार्ट्स की, तो हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं, सामने वाले ने जो बताया है क्या वो उसमें वही हार्ड डिस्क है। आप रैम को इसी तरह से चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वह होता है प्रोसेसर। आपको लैपटॉप में प्रोसेसर चेक करना होता है कि वह कौन सा प्रोसेसर है, किस जनरेशन का प्रोसेसर है, किस फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, क्योंकि यही लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक i5 फोर जनरेशन वाला लैपटॉप मिल रहा है, इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो आपको i3 8 जनरेशन में मिलेगी, तो यह चीज़ आपको चेक करनी होती है। अब इसे आप कैसे चेक करेंगे कि वह लैपटॉप किस जनरेशन का है, तो इसे चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पर जाएँ, वहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं i3 8100, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग लेटर है वह यह शो करता है कि हमारा वह प्रोसेसर किस जनरेशन का है, जैसे कि 8100 मतलब 8 जनरेशन, 6100 मतलब 6 जनरेशन, 3220 मतलब 3rd जनरेशन, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्पेकी। इस सॉफ्टवेयर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को, बेसिकली यह 4MB का सॉफ्टवेयर है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं तो आपको उस लैपटॉप की सारी जानकारी मिलेगी, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, कौन सी रैम है, कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, कौन सा प्रोसेसर है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, मतलब टोटली आपको सारी जानकारी मिलेगी जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लैपटॉप के अंदर के पार्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको लैपटॉप को ओपन करना होगा, बट अगर आप एक लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो एक कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।